नवरात्रों के बाद यहाँ पर आए तो ज़्यादा अच्छा है। मेन जो व्यू पॉइंट है वो हमें नहीं देखने के गया। ओवरऑल फोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और यहाँ पर जो बना हुआ है ये कमाल का सुंदर तेजसवंत अड्डा, यहाँ से व्यू दिखता है जोधपुर का। हम मेहरानगढ़ फोर्ट से वापस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मेन पॉइंट होता था ना वो चील, जो यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं, बहुत सारी चील ऊपर उठ रही हैं पर यहाँ पर अंदर नहीं जाने दे रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस के कारण, क्योंकि कह रहे हैं नवरात्रों में वो रीजंस बंद हो जाता है और जो मेन फोर्ट व्यू है वो भी हम यहाँ से नहीं देख पाएंगे सिर्फ क्योंकि सिक्योरिटी के कारण। सिक्योरिटी रीजंस बहुत हैवी है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सिर्फ नवरात्रों के बाद कह रहे हैं कि यहाँ से व्यू देख सकते हैं। मैं आप सबको कहूँगा कि नवरात्रों के बाद ही अगर मेहरानगढ़ फोर्ट आना है तो नवरात्रों के बाद ही आएँ, केवल लेडीज़ को ऊपर जाने दिया जाता है, नहीं तो अन्यथा कोई भी यहाँ पर आपको नहीं जा सकते। इसीलिए कहता हूँ नवरात्रों के बाद यहाँ पर आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। मेन जो व्यू पॉइंट है वो हमें नहीं देखने के गया। ओवरऑल फोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ऐतिहासिक है, बहुत सुंदर है। अब हम आए हैं जसवंत अड्डा पर, ये बिल्कुल फोर्ट के बिल्कुल पास ही पड़ता है और यहाँ पर पीछे एक घोड़ा भी दिखाई देता है, वो मैं आपको वहीं जाकर दिखाऊंगा, उस पर जाया जा सकता है। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये जसवंत अड्डा है। चलो अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू देखते हैं। इसके बाहर ऐसे ब्लॉक व्यू बिल्कुल दिखाई देता है, एक लेक सी यहाँ पर छोटी दिखाई देगी जो बहुत सुंदर है। ये यहाँ पर है नरसिंह अड्डा, इसे कहते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पत्थर से बना हुआ है, पत्थर की निकासी बहुत ज़बरदस्त हुई है। और यहाँ पर एक छोटा सा, हम इसे कहेंगे छोटा सा, एकदम बहुत सुंदर है भी। और यहाँ पर जो बना हुआ है ये कमाल का सुंदर, बहुत अच्छी इसमें निकासी की गई है। अभी हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं आपके साथ साथ, बहुत सुंदर लग रहा है। तेजसवंत अड्डा, यहाँ से व्यू दिखता है जोधपुर का और मैं आपको भी दिखाऊँगा। यहाँ पर ये जो है ना ये पूरी की पूरी फोर्ट की दीवार है यहाँ पर, और ये जो लास्ट में दिखाई दे रही है पूरी की पूरी जोधपुर सिटी है, यहाँ पर पूरी जोधपुर सिटी दिखाई देती है और उधर भी पूरी जोधपुर सिटी दिखाई देती है। इसका व्यू पॉइंट कहीं और भी होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अब हम ये राव ठाडा से बाहर आ गए हैं, ये यहाँ पर राव ठाडा आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट आपको दिखाई देगा, ये मेहरानगढ़ फोर्ट है। और यहाँ पर बिल्कुल पीछे यहाँ पर जो आप देख रहे हो वो छोटा सा दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, उम्मीद भवन पैलेस है वो काफ़ी दूर है यहाँ से इसलिए छोटा दिखाई दे रहा है। वो होगा करीब यहाँ से 5-6 किलोमीटर के आसपास, वहाँ भी हम जाएंगे, शायद हम कल जाएँ क्योंकि 5 बजे ये सब कुछ ऑफ हो जाता है। और जो हमारा एक मिसिंग पॉइंट रहा है बहुत ज़्यादा, जो यहाँ पर जो आपने एक वीडियो देखी होगी जहाँ से चील को खाना खिलाने के लिए एक लड़का आता है वहाँ ऊपर मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर, वो जो फ्रंट पॉइंट है जहाँ से पूरा जोधपुर शहर दिखाई देता है वो हम नहीं देख पाए, वहाँ पर वो बंद है, वहाँ पर सिक्योरिटी रीजन के कारण उसको बंद कर दिया गया है। किले के अंदर बहुत अधिक सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी उन्होंने कर दी है, पूरा फोर्ट एकदम से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है वहाँ पर, बहुत कुछ हम कर नहीं पाए वहाँ पर, अंदर देख नहीं पाए, सब जो खिड़कियाँ हैं जो जहाँ से बाहर देखा जा सकता है वो देख ही नहीं, वो सब कुछ वहाँ से देखा ही नहीं जा सकता, वो वीडियो वो जो गेट हैं जो खिड़कियाँ हैं जहाँ से हम बाहर देख सकते हैं वो सब कुछ बंद किया हुआ है, बाहर हम कुछ देख ही नहीं पाते। और जो फ्रंट पॉइंट है वो भी बंद है नवरात्रि के कारण, और नवरात्रि के बाद भी अब उस पॉइंट को बंद कर दिया गया है इसी कारणों से, सेफ्टी रीजन के कारण शायद बंद किया हुआ। अभी फिलहाल सिक्योरिटी बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर खड़े होकर हम पूरे देख सकते हैं, ये पूरी जोधपुर सिटी है वो पीछे तक, ब्लू सिटी को कहते हैं, पर वास्तव में अगर हम सच्ची में सच्चाई में देखें तो ये ब्लू सिटी केवल आपको फोर्ट के नीचे के जो घर हैं, कुछ घर हैं उनके ऊपर ब्लू पेंट जरूर दिखाई देगा, लेकिन पूरी सिटी आपको एवरग्रीन सब कलर यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पूर्ण रूप से हम कहें कि पूरी ब्लू सिटी, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर एक राजा बिठा रखे हैं घोड़े पर, ये भी हम देखेंगे। यहाँ पर नेटवर्क बहुत कम आते हैं क्योंकि हाइट पे हैं, लेकिन अगर मैं फोर्ट की बात करूँ, फोर्ट बहुत सुंदर है, अंदर से महल बहुत सुंदर बनाए हुए हैं उसके, मतलब कलाकारी जो है ना वो कमाल है, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त कलाकारी की गई है, हाथ से जिन बंदों ने बनाया होगा उनके तो कमाल ही है। इतनी हाइट पर इस तरह से पत्थर को लेके जाना, बनाना, या फिर यहाँ पर पहाड़ियाँ थी उनको काट के तराशना, वो डिज़ाइन डालना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर ये राजा की फ़ोटो है,
घोड़े के साथ।